नमस्कार, मैं सचिन गर्तक गलेक्सटेक में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि ए बी और सी एक कार 7500 रुपये में किराए पर ली। ए 10 घंटे के लिए उपयोग करता है, बी 8 घंटे के लिए उपयोग करता है और सी 12 घंटे के लिए उपयोग करता है, तो किराए में सी का हिस्सा कितना होगा, अपन को ये बताना है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये सारे अनुपात में दिए गए हैं, तो सबसे पहले अपन इन सबको अनुपातिक रूप में बना लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, एक अनुपात ए, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा। तो ए 7500 रुपये में कितना 10 घंटे के लिए उपयोग करता है और बी 7500 रुपये को कितने के लिए उपयोग करता है, 8 घंटे के लिए उपयोग करता है और सी 7500 को कितने के लिए उपयोग करता है, 12 घंटे के लिए उपयोग करता है। तो 7500 कट जाएगा, इनका अनुपात 8, 10, 8 और 12। तो अब इनको भी हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 2 5 10, 2 4 8 और 2 6 12, 5:6:1। तो ये कितना हो जाएगा टोटल इनका योग, इनका योग हो जाएगा 15, 10 6 4 10 और 5 15। अब जब इनका योग 15 हो गया तो अपन क्या करेंगे, अपन सी का मान निकालेंगे, सी मतलब 6। तो 7500 में 6 का मान निकालना है, टोटल कितने 15 है सबका अनुपात, 5 1 5 15 5 75, तो ये 500 आ गया। अब 5 6 30 तो कितना 3000, 3000 रुपये हैं जो 3000 रुपये हैं वो इन सब सी के हिस्से में आएंगे, कि सी यदि 3000 रुपये देगा तो इस प्रकार वो 12 घंटे उपयोग कर पाएगा। थैंक यू।